हेलो एवरीवन, दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चंडीगढ़ JBT की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम इंडिविजुअल वीडियो होगा हमारा, हर जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी का सिलेबस होने वाला है उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और 10 मार्क्स की जो तैयारी है उसको कैसे करनी है पूरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस मैं आपको सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ हिंदी का, कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो मोस्टली जो सिलेबस दिया गया है, पहले सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो दिया गया है हिंदी का, तो उसमें दिया गया है पहला है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, मतलब वाक्य भरने के लिए आपको आएंगे। वहीं बात करूँ तो विलोम शब्द, जिसको हम एंटोनिम सिनोनिम बोलते हैं, ये भी आएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करूँ स्पेलिंग डिटेक्शन एरर की, वाक्य वर्तनी जिसको हम कहते हैं शुद्ध करिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगली बात करें तो एक्टिव और पैसिव वाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्रिया वर्ब दिया हुआ है सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेसेस, जिसको हम मुहावरे बोलते हैं, लोकोक्तियाँ, यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सिलेबस में दिया हुआ है। अब आगे बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकार्थी या अनेकार्थी शब्द, तो यहाँ से, या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे आपसे। अब आगे की बात करें तो अनसीन पैसेज होगा, ये भी पूछा जाएगा। तो सिलेबस बहुत छोटा है, लगभग 10 नंबर आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जैसा कि आपको पता ही है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब 7 मार्च के बाद कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो इसलिए एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं इसीलिए सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। तो हिंदी के लिए अगर हमें पढ़ना हो तो हम कहाँ से पढ़ें, तो आपको बता दूँ कि छोटा, बहुत छोटा सा सिलेबस है। तो एक लूसेंट, हिंदी की लूसेंट की किताब आती है, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक्स हैं और वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो लूसेंट की हिंदी की मेरे पास किताब है, दिखनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको खरीद लीजिए, ठीक। हिंदी की जो लूसेंट की किताब आती है उसको परचेस करके आप उस हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हिंदी का हो गया, अब किताब तो हो गई, किताब से हमें पढ़ना है, बस सिलेबस को उठाना है, कौन सा टॉपिक है सिलेबस में हमारे, बस हमको वही पढ़ना है, उसके इर्द गिर्द या इधर उधर नहीं भागना है। और प्रीवियस ईयर के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको बता भी देता हूँ, वर्डमाला से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाक्य शुद्ध करो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात करूँ तो संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाक्य शुद्ध करो वर्तनी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और अनेकार्थी सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो प्रीवियस ईयर का था, अब सिलेबस अपडेट हुआ है, तो ये अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी एक एक वीडियो टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और हमारी क्लासेस ऐसे ही होती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और कम्प्लीट प्रिपरेशन कराऊँगा बहुत कम समय में, तो और जो भी होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैथ का, रीजनिंग का और ICT का, जो भी कंप्यूटर का है सिलेबस आपका, साइंस का है और SST का है, मैं सारी चीज़ें आपका करा दूंगा। बस अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली टॉपिक साइंस या जो भी होगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लेके, कि क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, NCERT को ही फॉलो करना है और कुछ नहीं फॉलो करना है, ठीक। तो अगर 6 to 8 की NCERT आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।